आज़िन बात करें, रमज़ान में बाज लाने वाले सेहत दुश्मन अनासर की शामत आ गई है। डीजी फूड अथॉरिटी पूरी रफ्तार से माफिया का ताकुब कर रखे हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने सिटी एरिया लाहौर में कार्रवाइयां की हैं। 4 मारूफ मार्ट्स और ऑयल रिफाइनरीज यूनिट्स और इसी के साथ साथ रेस्टोरेंट्स की भी चेकिंग की गई। 4 को 11,50,000 के जुर्माने आयद किए गए। 1200 किलो नाकिस बेसन, 820 किलो एक्सपायर अशिया, खुरनोश और इसी के साथ साथ नाकिस गोश्त भी तलफ किया गया है। मजीद जानते हैं सवाले से शेख रशीद से अपने नुमाइंदे। शेख रशीद, आगाह कीजिएगा मजीद जो आज कार्रवाइयां की गई हैं फूड अथॉरिटी की जानिब से। जी बिल्कुल, आपने फरमाया कि रोजों के बावजूद, माह रमजान के बावजूद रोजादारों को तकलीफ देने के लिए जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे, मुख्तलिफ बेकरियों पे जो है वो जालसाजी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो आज अली सुबह जो ऑपरेशन किया गया है डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद की सरबराही में, वो बहुत ज्यादा ऑपरेशन था जिसमें इन्होंने 1200 किलोग्राम जो है वो सिर्फ बेसन पकड़ा है जो अच्छी पैकिंग में लगा हुआ था। इसके अलावा इन्होंने गैर मियारी गोश्त पकड़ा है, गैर मियारी ऑयल, और इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी जो मतलब ये जो घी बनाने वाले और कुकिंग ऑयल बनाने वाली जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर भी इन्होंने ऑपरेशन किया। वहां से भी इन्होंने जो है वो 2 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, अरेस्ट भी किया और तकरीबन कोई 12 लाख रुपए के करीब जुर्माने भी किए गए। जी सही, शेख रशीद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।